अस्सलामुअलैकुम, ये हमारे पास CD70S की स्पॉकेट फिटिंग है गरारी की। तो सबसे पहले आपने इसमें डालनी है कोट। कोट डालने के बाद आपने इसके बाहर एक छोटी कोट है वो डाल देनी है। फिर इसे आपने आपने चिमटे में डालना है। चिमटे में डालने के बाद आपने इसके बाहर जस्ट लगा देना है। जस्ट लगाने के बाद बाहर गरारी जो कोट है इस पर एक नेट है 24 नंबर का, ये लगा देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ में लाइक आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। टाइट हो गया है जी, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है। आप चैन के एडजस्टिंग वगैरह थोड़ा टाइट कर लें आप पहले इसको। इसके बाद लेदर के स्प्रिंग डालने हैं दोनों तरफ से। स्प्रिंग डालने के बाद फिर इसकी फिटिंग आ जाती है। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इस तरह की फिटिंग करते हैं, हल्की शर्ट लगाएं किसी चीज के साथ। बेल्ट के अंदर डाल दे रहे हैं। याद रखें कि 70 के बेल्ट के अंदर पहले से डालें लेदर लेदर प्लेट। आप ड्रम रबड़े इसके पहले डालेंगे, ये देख सकते हैं आप। फिर इसे बाइक को भी थोड़ा टेढ़ा करना है, उसके बाद आपने इसकी फिटिंग कर देनी है। याद रखें गरारी अब जो है आपकी वो इसके अंदर रबड़ के अंदर सही तरह से बैठनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये कोट इस तरफ है ये डाल देनी है, एक सेट डाल देना है। उसके बाद एडजस्टर की सेटिंग कर देनी है इस तरह डाल के। उसके बाद आपने जो इस छिप का नेट है ये लाजमी लगाएं। और याद रखें कि ये चीज़ जो है ये आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए, ये ढीली होगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, बाइक थोड़ा चलेगा एक आध किलोमीटर और उसके बाद ये खुलेगा और ये सब कुछ तोड़ देगा। वीडियो पूरी देखिएगा, साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आपने एक्सल टाइट कर देना है। एक्सल टाइट